सीएम सिटी करनाल में ओएसडी अमरिंदर सिंह के निवास पर प्रदेश भर से आए स्टाफ नर्स द्वारा सड़क पर इकट्ठे होकर जाम लगाया गया। एम ओएसडी कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर धरना व रोष प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर आई नर्स यूनियन की नेताओं ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कहा कि आज यहां पूरे प्रदेश से स्टाफ नर्स आई हुई है जो अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की नर्सों को कॉल की गई थी कि वह रविवार को करनाल के सीएम के ओएसडी के निवास के बाहर इकट्ठा होकर अपनी बात प्रशासन व सरकार तक पहुंचाएंगे, इसलिए पूरे प्रदेश से यहाँ स्टाफ नर्सें इकट्ठा होकर अपनी मांगों के लिए रोष व्यक्त कर रही है। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक व तहसीलदार राजबख्श ने मौके पर पहुंचकर नर्सों को समझाने बुझाने की कोशिश की, परंतु वह अपनी मांग पर अड़ी रही। बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। स्टाफ नर्सें एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की ओर से उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, वह धरने पर ही बैठी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्टाफ नर्स एसोसिएशन के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मैसेज आया है कि सभी स्टाफ नर्सों की जो मांगे हैं उन पर विचार करने के लिए सोमवार का समय दिया गया है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, हम तो आपके साथ खड़े हैं ना यहाँ। आपने किस तरह माइक करवा के आप बताया तो है मैडम, अभी बात हुई है कि आपको मिलने का टाइम दिला देंगे आपका डिपार्टमेंट। हम सिर्फ मिलने का टाइम लेने करनाल में नहीं आए, आप हरियाणा तो मैडम हमारे हाथ में डिमांड मजबूर करनी है तो मैं तो विचार कर रहा हूं आपके बारे में। मैडम देखो, एक से बात कर रहे हैं ना, अलग अलग बात तो हम तो आपको मिलने का टाइम, जो हमारी बात हुई आपको मंडे को आपकी तारीफ सर। मैं तहसीलदार नहीं, चलो आजो सर, आजो 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 वेलफेयर एसोसिएशन पूरे हरियाणा की नर्सिज अपनी मांगों के मांगे न माने जाने के विरोध में यहाँ इकट्ठी हुई है। सरकार ने पिछले दिनों हमें जनवरी 2019 से ग्रेड पे लागू किया, 4600 ग्रेड पे हमारी मांग थी कि वो ग्रेड पे लागू किया जाए, लेकिन ग्रेड पे तो इन्होंने लागू कर दिया तो उसके अंदर अनोमली रह गई है। उसके अंदर सीनियर और जूनियर को इन्होंने एक ही लाइन में खड़ा कर दिया कि जो नए बच्चे आए हैं 1100 स्टाफ नर्सेज है कि वो पुरानियों के बराबर तनख्वाह लेके इनके अंदर फूट पड़ जाए, तो सरकार की दोगली नीति हम नहीं चलने देंगे। आज वो भी हमारे साथ है कि इसके अंदर स्लैब बनने होते हैं, जब भी कोई पे ग्रेड रिवाइज होता है तो उसके अंदर स्लैब बनता कि हर कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसा नहीं किया। कहां कहां से आए हैं हम? पूरे 22 जिलों से, मैं मेवात से हूँ, मेवात के अंदर क्या कार्यक्रम है, कैसे विरोध है? आज विरोध है हमारा, पिछले दिनों सरकार ने सारे, हम यहाँ 20 मई 2018 को इसी करनाल में इसी जगह पे प्रदर्शन हमने किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने हमारे से मुलाकात की थी रात को 9 बजे, हमारी सभी मांगे उन्होंने मान ली थी। एक साल बीत जाने के बाद उन्होंने सिर्फ ग्रेड पे के नाम पे एक लॉलीपॉप में दिया कि आपका ग्रेड पे रिवाइज होगा। ग्रेड पे रिवाइज करना होता है तो पूरा स्लैब चेंज होता है, जबकि इन्होंने नहीं किया। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी हमें नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा देने का, हमारी ग्रेड पे को रिवाइज करने का। उनकी घोषणा हुई, अखबार में सब कुछ आ गया और हमें मंत्री लेवल के ऊपर हमें खुश कर दिया गया कि आप लोग नर्सिंग ऑफिसर्स की नेम प्लेट लगा सकते हो। लेकिन आपको भी ये पता होगा कि सरकारी कर्मचारी जब तक कोई लिखित चिट्ठी नहीं आ जाती तब तक सक्षम नहीं है कुछ भी लगाने के लिए। हमें अनिल विज साहब ने ये कहा कि कुतुबें कौन मना करता है कि नर्सिंग ऑफिसर नहीं हो आप लगाओ, लेकिन चिट्ठी अभी तक भी नहीं मिली है। एक और प्रश्न है, कुछ ही जहाँ पर आपने जो सड़क जाम की है वहाँ पे चंद कदमों की दूरी पे एक हॉस्पिटल भी है, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकती? हमने अगर एम्बुलेंस आती है हम रोड को रास्ता, हम एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन जो जब
तक आम जन प्रभावित नहीं होता, सरकार नहीं हिलती, सरकार जनता की सेवा के लिए होती है। अगर जनता को उसको सुविधाएं देनी है तो नर्सिस भी उसी जनता में आती है। आप अगर कोई रोगी जाता है, रोगी अगर हम अगर रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसकी सेवा करने को तैयार है। सर, लेकिन था ये सारा कुछ हमने प्लान करके दिया था, हमने रिटर्न में इनको अल्टीमेटम दे रखा था कि आज ये होने वाला है, तो प्रशासन कहाँ पे सुस्त बैठा हुआ है। अगर जब उनको ये पता था कि रिटर्न के अंदर ये आएंगी तो इन्होंने पहले मुलाकात का टाइम क्यों नहीं दिया? और अस्पताल के काम को तो हम रोकते ही नहीं। अभी आप किससे मिलने पहुंचे थे जो आपने हम लोग सीएम साहब से? तो सीएम साहब अभी तो यहाँ पे सुबह सीएम साहब यहीं पे करनाल में थे। हम बैठे उनको पता था मैं तो हरियाणा में। सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा है जो मैं लिखित में आश्वासन दे कि ये सीएम साहब ने आपको टाइम दे दिया, उनसे बात करे और उनमें इनकी ओएसडी अमरिंदर जी से कल की मुलाकात का समय दे दिया गया है। उसके बाद अमरिंदर मांगे क्या है? देखिए स्पेसिफिक मांग है वही प्रदेश स्तर की मांगे हैं तो वही पड़ेगी। तो इसके लिए सर आपकी बात हुई अभी? जी, हमने इनका जो भी मेमोरेंडम था या जो भी मांग थी, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं मिला लेकिन मैसेजेस पहुंचा दिए। तो लिखित में मांग रहे हैं सर आश्वासन, क्या सरकार लिख के दे रही है? हम लिखित में मिलने का समय दे रहे हैं। तो कब का समय मिला सर? कल का समय। ठीक है सर। और ये थे करनाल के। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।